एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। बलराम पांडे का रुख कर रहे मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ किसान मौजूद हैं। बलराम पूछिए, किसानों की जो उम्मीदें थी क्या ये बजट उन्होंने सुना पूरी तरह और क्या कहना चाहेंगे इसके बाद आपको? बिल्कुल आस्था, अगर हम बात करें इस बजट की तो किसानों को इसमें काफी कुछ दिया गया है, जैसे कि जो लघु सिंचाई है उसके बजट में 5,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अगर हम गेहूं की खरीद की बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, एमएसपी 1.5 गुना बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही 7 सालों में जो धान की खरीद है वो 2 गुना हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की आय दूनी करने के लिए सरकार वचनबद्ध है और उसको लेकर के उन्होंने प्लानिंग भी बताई। लेकिन जो हमारे साथ किसान हैं उन्हें ये बजट कैसा लगा, इस बजट को लेकर के किसानों का क्या कहना है, उन्हीं से हम जान लेते हैं क्या कहेंगे इस बजट को लेकर के और ये बजट किसानों के हित में किस तरीके का रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकांश गन्ने की खेती होती है, गन्ने की खेती के बारे में कुछ नहीं करा गया, ना तो उसमें रेट बढ़ाने गया 4 साल से, इस साल का भी अभी पता नहीं है कुछ भी, और ना ही पेमेंट का कोई भी व्यवस्था दी गई है उसमें। किसान अगर एक कट्टा भी यूरिया सोसाइटी से, गन्ना सोसाइटी लेता है तो उसी दिन से उस पर ब्याज लागू हो जाता है। किसान को 2-2 साल तक ना तो ब्याज मिलता ना भुगतान मिलता, जबकि किसान उस बैंकों को ब्याज देता है, महाजनों को ब्याज देता है, अपने काम जो भी करेगा कर्ज लेकर करता है, उसे 1.5 गुना रेट में बनिया के यहाँ से सामान खरीदेगा वो मिलेगा, क्योंकि उसे पहला पेमेंट नहीं करा हुआ होता, मन मर्जी के रेट लगा हुआ है बनिया उससे, तो सब जगह लूट है, कैसे दुगुनी आमदनी हो जाएगी बिना भुगतान के। आप बताइए आय दूनी। आय दूनी का एक ही तरीका है केवल, चूँकि इससे तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को कुछ मिला नहीं। गन्ने की खेती है, हम गन्ना डाल देते हैं 0-0 लिखते हैं, उस पर भाव भी तय नहीं कर रहे हैं, 4 साल से एक नया पैसा नहीं बढ़ाया, जबकि सरकारी नौकरों का भी 10% प्रतिवर्ष बढ़ता है, हमारा 5 पैसे भी नहीं बढ़ा, और हम बैंक से लोन लेते हैं उस पर तुरंत ब्याज चालू हो जा, हम अपना गन्ना डालते हैं फैक्ट्रियों में, योगी जी ने भी कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किए थे कि 14 दिन के बाद में जो है तुम्हें वो ब्याज मिलेगा, एक नया पैसा ब्याज तो अलग रहा, 2-2 साल का भुगतान रुका पड़ा है। तो हम तो ये समझते हैं अगर हमारी मेहनत, हम सुबह उठते हैं सवेरे खेत में जाएं, हमारी मेहनत का हमें ही दे दिया जा तो हम खुशहाल होंगे, वरना रोज़ आत्महत्या होते रहेंगे और हम गरीबी की रेखा से भी नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ते, प्राइमरी स्कूलों में सरकारी में पढ़ा रहे हैं, जो CBSE में पढ़ा रहा है एक चपरासी भी अपने बच्चे ने। तो समस्याओं की फेहरिस्त काफी लंबी है और आज वित्त मंत्री को सुनने के बाद अपने लिए कोई उम्मीद फिलहाल इन लोगों ने नहीं देखी है जो आपके साथ मौजूद है। बलराम